मंगलवार कई मांगों को लेकर जलपाईगुड़ी जिला मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी दफ्तर के सामने विरोध दिखाते हैं अस्थाई कर्मीगण। इस आंदोलन का नेतृत्व दिया तृणमूल कांग्रेस मजदूर संगठन के नेता सपन सरकार। तृणमूल कांग्रेस मजदूर संगठन के नेता सपन सरकार शिकायत करते हुए कहते हैं कि जिला के कई अस्पतालों में अस्थाई कर्मियों को 15-20 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इन लोगों को महीने में 8,000 रुपए तनख्वाह ही मिलता है। वर्तमान में इस रुपए से परिवार को चलाने में काफ़ी तकलीफ होती है, इसलिए अस्थाई कर्मियों को सही तनख्वाह देने की मांग में विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। संगठन की ओर से इस विषय को लेकर चर्चा किया जाएगा, ऐसा ही आश्वासन दिया गया जिला मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा।